नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इन दिनों रेत का अवैध उत्खनन परिवहन जोर पकड़ा हुआ है, जिसको लेकर खाकी वर्दी बदनाम भी हो रही है। वहीं गिट्टी के आड़ में रेत की बिक्री भी अवैध तरीके से किए जाने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र संजय नेशनल पार्क अभ्यारण्य बगदरा में क्षेत्र में बिना टीपी के जहाँ रेत की बिक्री की जा रही है, वहीं अभ्यारण्य क्षेत्र में जेसीबी मशीन का उपयोग करना भी प्रतिबंधित है। आपको बता दें, पुलिस चौकी बगदरा क्षेत्र में रेत का कारोबार जोर पकड़ा हुआ है। बताया जा रहा है, बगदरा अंचल में रेत कारोबारी इन दिनों धड़ल्ले के साथ सोन नदी से रेत उत्खनन एवं परिवहन कर जहां बगदरा अंचल रेत कारोबारी अवैध भंडारण कर यूपी के मिर्जापुर क्षेत्र तक खपा रहे हैं और ट्रैक्टर ट्राली रेत की कीमत 5,000 रुपये रखी गई है। मजबूरी में लोग बाग इतनी महंगी रेत नंबर 2 का खरीद रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी तक लीज किसी भी ठेकेदार के पास नहीं है, इस कारण रेत का भंडारण भी प्रतिबंधित है और खनिज विभागों के प्रावधानों के अनुसार लीज के ठेकेदारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को रेत का भंडारण कर बिना टीपी बिक्री करना कानूनन अपराध है और टीपी केवल रेत लीज का ठेकेदार ही अपने रेत खदान से ही टीपी जारी कर सकता है। साथ ही किसी सरिया सीमेंट गिट्टी के साथ रेत की बिक्री कतई नहीं कर सकता। आपको बता दें, इसके बावजूद प्रतिबंधित क्षेत्र बगदरा में रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं आरोप है कि अभ्यारण्य बगदरा का अमला जहां जनजान बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। फिलहाल बगदरा एरिया में रेत के बढ़ते कारोबार को लेकर बगदरा चौकी पुलिस की भूमिका पर जहां सवाल उठ रहे, वहीं बगदरा अभ्यारण्य हमला के अनजान बने रहने पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेशनल पार्क अभ्यारण्य बगदरा क्षेत्र में बिना अनुमति के जेसीबी मशीन का उपयोग करना भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि ऐसे करते पाया गया तो अभ्यारण अमला मशीन को भी सीज कर सकता है। अभ्यारण्य के प्रावधान में ऐसा है। आपको बताते चले, 5 वर्ष पूर्व भरगुआ में प्रस्तावित बेलदरा बाग में अभ्यारण्य बगदरा ने ही रोड़ा डाला था। 5 वर्ष पूर्व जब बेलदरा बाग को कार्य करने की अनुमति गई, उसमें इस शर्त स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कार्यस्थल पर किसी भी हालत में हथौड़ा तक नहीं चलना चाहिए, ध्वनि किसी तरह का नहीं होना चाहिए, आवाज से जंगली जानवरों को भागने का डर रहता है। अब सवाल उठ रहा है कि जब इतने बड़े विकास कार्य बेलदरा बाग के कार्य में अभ्यारण अमला रोड़ा डाल सकता है, तो बिना अनुमति के उक्त क्षेत्र में जेसीबी मशीन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस बात को लेकर अभ्यारण अमला भी सवालों में घिरता नजर आ रहा है। प्रबुद्ध नागरिक एवं जानकार भी कह रहे हैं कि क्या बगदरा क्षेत्र में बिना अनुमति के जेसीबी का उपयोग करने वालों के विरुद्ध अभ्यारण अमला कार्रवाई करेगा। ऐसी खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट पर। धन्यवाद।